हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, परमानेंट पोस्ट है, पे स्केल अच्छी ऑफर हो रही है, तो मिनिमम 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी बनेगी और एट द एज ऑफ रिटायरमेंट 1,40,000 या उसके ऊपर सैलरी होने वाली है। कुछ मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगी जा रही है और बिल्कुल सरकारी नौकरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी डिटेल के लिए मुझे अच्छी नोटिफिकेशन नज़र आई तो मैंने इसे वीडियो आप सबके लिए सोचा शेयर करूँ आपके साथ। जॉब इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आप सभी जानते होंगे तटरक्षक जो है, भारतीय तटरक्षक के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। व्हाट्स न्यू में जैसे आप सबसे पहले पेज पर आते हैं, इसे एक बार रिफ्रेश कर लें पेज को, तो जैसे आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो सबसे पहले जो नोटिस नज़र आ रही है आपको, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी नॉन गजटेड सिविलियन वैकेंसीज 343 KB की। मोस्टली यही होनी चाहिए। एक बार डाउनलोड करते हैं इसे और चेक करते हैं डिटेल्स। नोटिफिकेशन रिलीज की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, रिक्रूटमेंट ऑफ फोरमैन ऑफ स्टोर्स। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 12 फरवरी से स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं रहेगी, ऑफलाइन मोड में। तो पहले मैं आपको बता दूँ किनके यूज़ की है ये, बिकॉज सभी मास्टर्स डिग्री नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स या फिर बैचलर वाले भी कर सकते हैं खास खास सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स या फिर आपने एमकॉम की है या फिर आपने मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स में ली है या फिर एमबीए है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट से। साथ में एक साल की एक्सपीरियंस अगर आपको स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट इन स्टोर, तो बहुत लोगों को होती है और ज़रूरी नहीं है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में या बैंक में, कहीं पर भी, या फिर स्टॉक एक्सचेंज में भी, कहीं पर भी 1 ईयर की अगर आपने स्टोर हैंडलिंग रिलेटेड या अकाउंट कीपिंग रिलेटेड वर्क किया है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए, सिर्फ एक साल की। अब अगर सपोज आपके पास बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट्स में, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स या फिर बी कॉम है या फिर बी ए बी एस सी स्टैट्स है या फिर बी बी ए है या बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिप्लोमा है मटेरियल मैनेजमेंट में या वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में, तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन अगर बैचलर डिग्री के बेसिस पर एप्लीकेशन डालनी है तो 2 साल की एक्सपीरियंस सेम स्टोर हैंडलिंग में और अकाउंट कीपिंग में होनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी क्योंकि एक ड्रीम होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, इंडियन भारतीय तटरक्षक विभाग में, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सारी जो ड्रीम जॉब होती है लोगों की ऐसे जगह पर या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अगर मौका मिले तो। एमबीए वाले काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि बहुत लोगों के पास एमकॉम वाले, इकोनॉमिक्स वाले, स्टैट्स वाले, एमबीए वाले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले या फिर ग्रेजुएशन है तो 2 साल की एक्सपीरियंस और अगर मास्टर्स डिग्री है तो 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब एज लिमिट है 30 ईयर्स एंड बिलो वाले। इसमें एसटीएससी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की एज में रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की एज में रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट जॉब में अगर ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है तो 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। एज लिमिट आपको 14 मार्च 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेट करनी है, तो आपकी 30 ईयर्स या बिलो जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें टोटल कितने पोस्ट है, 11 पोस्ट हैं जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है, बाकी यहाँ पर डिटेल दी है, टोटल 11 पोस्ट है। पे स्केल की अगर बात कर लेते हैं तो पे स्केल भी यहाँ पर फोरमैन ऑफ स्टोर पोस्ट का नाम रहेगा, फोरमैन ऑफ स्टोर्स जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी है, नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल इन पे लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स ₹35,400 से लेके 1,12,400, तो 35,000 की सिर्फ बेसिक पे है। इस पर अभी बहुत सारी अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, DA हो गया, HRA हो गया और भी कई सारे मेडिकल अलाउंस, PF हो जाती है, ग्रेचुटी हो जाती है, परमानेंट पोस्ट है तो काफ़ी। अब ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है नोएडा उत्तर प्रदेश से, बट गवर्नमेंट जॉब होती है इंडियन गवर्नमेंट की, तो इसकी जॉब लोकेशन एक बार आप चेक कर सकते हैं। कैसे एप्लीकेशन डालनी है, एप्लीकेशन डालने के लिए
नीचे ये पीडीएफ जब आप ओपन करें तो नीचे देखें ये एक एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्सियर वन पेज नंबर 7 से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगी, ये फिल कर लेना और दिए गए एड्रेस पर और क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है सारी चीज़ पढ़ लें, क्योंकि 5-6 पेजेस की मेन है पढ़ने के लिए। एक सेपरेट बैंक ब्लैंक एनवेलप है जिसमें 50 रुपये की पोस्टल स्टैम्प लगी होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको करस्पॉन्डेंस के लिए वही एनवेलप यूज़ करेंगे। और इसके साथ में क्या क्या चीज़ें हैं, फोटो कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लिस्टेड एट पैराग्राफ 4 अबव नॉट फाउंड इनक्लोज्ड, अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी फोटो कॉपीज तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो वो आपको पढ़ना है। और क्या लिखना है, कैसे एप्लीकेशन डालनी है, ये सब चीज़ें मीन्स ऑफलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन भेजनी है आपको। रिटर्न एग्जामिनेशन स्क्रूटनी होगी, उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको इनवाइट किया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। अभी रिटर्न एग्जामिनेशन में मैथ्स है, जो नॉर्मल कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश बेसिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक, ये सारे क्वेश्चन जो प्रिपेयर करते हैं वही यहाँ पर भी होगी, 1 घंटे की एग्जामिनेशन होगी। और इसके बाद बाकी इंस्ट्रक्शंस के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, इसमें आपको लिंक मिल जाएंगी। और बाकी की चीज़ें मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अच्छी वैकेंसी है, सभी मास्टर्स के लिए नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे MBA MCOM वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा, 1 ईयर की अगर आप एक्सपीरियंस कहीं आपने काम किया हुआ है तो। जॉब की डिटेल वहीं तक, अभी आगे आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे जॉब्स मैं अपने फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करती रहती हूँ। बेसिकली मेनली फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती रहती हूँ। आपने अगर अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को नहीं ज्वाइन किया, ये जितने भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं एडवर्टीजमेंट, मेरे डेली कलेक्शन होती है मेरी न्यूज़पेपर की, मैं गो थ्रू करती हूँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रीड करती हूँ, उनमें जो भी एडवर्टीजमेंट होती है सभी की वीडियोस नहीं बनती, तो मैं उनको आपके लिए शेयर कर देती हूँ फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर। तो ये भी आप जाकर चेक कर सकते हैं आपके लिए जो सुटेबल हो, जेन्युइन लगे आपको, क्योंकि न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट होती है तो एक बार आप चेक कर लिया करें जो भी आपको जेन्युइन लगे, सुटेबल हो। तो सभी तरीके की जॉब्स बेसिकली टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग, प्राइवेट बैंक से रिलेटेड और गवर्नमेंट रिलेटेड सभी यहाँ पर पोस्ट आपको मिलेंगे। अगर आपने फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक्स आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलेंगे, क्लिक कर लें, ज्वाइन हो जाएं और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स का बेनिफिट लें। अभी जस्ट मैंने पोस्ट किया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से, अच्छी वैकेंसी है गवर्नमेंट की है तो ये भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने अराउंड 4 या 5 वैकेंसीज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से जो कि गवर्नमेंट की होती हैं और परमानेंट पोस्ट भी होती हैं, तो इनमें से शायद कोई आपके यूज़ की हो जाए अभी लेटेस्ट, तो ये जाकर आप चेक कर लें, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम भी। आप सबको बेस्ट विशेज, थैंक यू वेरी मच।